तो भाई सुबह सुबह का वक्त है और मैं निकल चुका हूँ अपनी राइड पे अपनी स्कूटी के साथ। और अभी मौसम तो थोड़ा साफ ही हो रहा है, पर लग ही नहीं रहा है कि भाई सुबह हो रही है। अभी सुबह के पता कितने बज रहे हैं, सुबह के अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और अभी भी धूप वगैरह कुछ निकल ही नहीं रखी है। तो मैंने सोचा यार राइड शुरू करते हैं अपनी, एक छोटी सी राइड अपनी स्कूटी के साथ, इससे हमारा व्लॉग बन जाए भाई। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं विशाल आप सब लेके आऊँ एक नई वीडियो नए दिन के साथ। और अभी मैं हूँ धर्मपुर चौक पे, धर्मपुर चौक तो पीछे निकल गया, ये मंडी वाला चौक है आरागर चौक। तो गाइस अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई ज़्यादा घूमने का प्लान नहीं है, बस सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग राइड में निकल गए हैं, तेल भी डलाना है गाड़ी में। देहरादून की सड़कों का तो क्या ही हाल है, ये देखो सड़क बनाने से तो क्या गया, इन्होंने टाइल बिछा दी। अब ये टाइल ऐसी पड़ी रहेंगी 6 महीने सालों साल तक, इससे सड़क नहीं बननेगी, क्योंकि ये जुगाड़ करके छोड़ दिया ना इन्होंने अभी। देहरादून के लोग तो जुगाड़ू तो नहीं, ये देखो बढ़िया पहले से ठीक कर दिया इन्होंने यार, गड्ढे गुड्ढे तो बंद करे कम से कम। तो अभी हम अंदर अंदर से निकलेंगे घंटाघर की साइड, बाकी मुर्गे पकड़ रहे हैं सावन में, हर दुकानों पे भगवा रंग लगेगा तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है। ये एक कलर की दुकान है अच्छी लगती है, बस यहाँ पे गंदगी कर रखी है उन्होंने, वो बात अलग है, सफाई करेंगे ये लोग। और अंकल जी बोल रहे भाई जी ने क्या लगा रखा मुंह पे, छोट का भी रखना सिस्टम। बाकी तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी घंटाघर पर, बैठो हैंकर की 7 बजे इतना जाम हो रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे, कौन जाता है यार अपनी नौकरी पे। तो कुछ भाई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग साइकिल राइड पे, यार साइकिल तो मैं भी सोच रहा हूँ कि साइकिल राइड पे निकलूँ सुबह सुबह, तो मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। तो मॉर्निंग में तो कॉन्टेंट भी नहीं मिलता यार, क्या दिखाएं। फटाफट गाइस यार फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट शेयर वगैरह करो यार, वायरल करो वीडियो, तभी तो कुछ नया लाएंगे हम, बढ़िया बढ़िया लेके आएंगे। तो हमारे पास भी एक नई सी बाइक होगी, बढ़िया सी प्यारी सी बाइक होगी, बढ़िया सा हेलमेट होगा, बढ़िया सा गोप्रो होगा। टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज में यार। भाई लोग तो सोचते हैं कि बस आज स्टार्ट किया कल वीडियो वायरल हो जाए और बस, पर तो पैसा आने लग जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है ना यार, पर बढ़िया है, कोई नहीं मेहनत करते रहो भाई, बाकी तो भगवान जी देख ही रहे हैं सबको। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ डाइवर्जेंट पे, मसूरी डाइवर्जेंट पे, और मैं यहाँ से लूंगा अपना राइट के लिए, मसूरी की साइड नहीं जाएंगे हम जाएंगे ऊपर की साइड, कैनाल रोड झारखंड साइड। यहाँ पे मंदिर है साईं जी का, साईं मंदिर है यहाँ पे बहुत, मैं गया नहीं हूँ कभी, मैं नहा भी नहीं रखा था, मैं यहाँ सुबह सुबह मंदिर होके आता था, पर कोई नहीं नेक्स्ट टाइम जरूर भाई। सबसे महंगी जगह है ये देहरादून में, सबसे महंगी जगह, यहाँ पे सिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ बड़ी ढलान है एकदम बड़ी चढ़ाई, ये चेक करो आप, नाम तो मेरे को भी नहीं पता इस जगह का क्या नाम है। तो अभी तो ये देख रहे हो कितनी खतरनाक चढ़ाई है यहाँ पे, मैं यहीं से मोड़ रहा हूँ, पता नहीं मेरे को आगे क्या है, इसकी क्या नहीं है, इतना लंबा जा रहा मजा आ गया। देखो यहाँ से तो गाड़ी ना बंद होके जाती है भाई, शांति से मस्त करके बंद होके जाती है गाड़ी यहाँ से। जब हम जाएंगे इधर से निकलते हैं, हम निकलेंगे यहाँ से कनाल रोड से, झारखंड की साइड से निकलेंगे,
ऐसे ऐसे रास्ते दिखा देंगे जिसने सोची ना होगी। बादल बरसा दी जूली सावन में, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, मुझे नहीं आता, पता नहीं ऐसे ही है शायद वो गाना ना। बाकी तो बढ़िया लगता है वो गाना, तो उस गाने को देख के हमें भी लगा कि हमें भी एक ट्रिप नेपाल की लगानी चाहिए। नेपाल की ट्रिप जल्दी मारेंगे हम भी, जल्दी बोलो तो अगले साल तक तो पक्का आ रहे हैं इसकी टांग। सब्जी वगैरह लेके निकल रहे हैं, बाकी तो जगह ही नहीं दे रहा अंकल मेरे को, साइड में तो चला लेगा अंकल मुझे। चलो यार गाइस बोरियत आ गई, अब वीडियो बना बना के तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।